मैं हूं आपके साथ सोनाली तोमर और आप देख रहे हैं किस्सा कुर्सी का। आज हम बात करेंगे बीजेपी का दामन छोड़कर सपा में गए बीजेपी नेताओं से, सपा में क्या कुछ ठीक होगा या फिर नए लोगों के एंट्री होने के बाद सपा में भी टिकट को लेकर घमासान होगा। सहारनपुर से धर्मवीर सैनी और इमरान मसूद कभी एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते थे, आज एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं, लेकिन खबर है इमरान मसूद की सपा में टिकट को लेकर बात नहीं बनी है और शायद कई सीटों पर ऐसा हो सकता है। आज हम आप इस कार्यक्रम में आपको दिखाएंगे कि कोशिश करेंगे कि सपा में शामिल हुए योगी सरकार के मंत्री सपा का सिरदर्द बन सकते हैं। जौनपुर सदर सीट से स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे को प्रत्याशी बनाए जाने की चर्चा से राजनीतिक गलियारों में भूचाल ला दिया। जौनपुर सदर सीट अल्पसंख्यक सीट है। यहां से साल 2012 में कांग्रेस के नदीम जावेद विधायक बने थे और साल 2017 में सपा कांग्रेस गठबंधन होने के बाद नसीम को ही प्रत्याशी बनाया गया था, लेकिन भाजपा के गिरीश यादव ने नसीम को शिकस्त दी। यहां 4,28,336 वोटर हैं। यहां से कई मुस्लिम नेताओं और यादव और मौर्य ने सपा में आवेदन किया है। ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे का नाम प्रत्याशी बनाया गया है तो वहीं सपा को नुकसान उठाना पड़ सकता है। हालांकि स्थानीय सपा नेता कुछ बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन वरिष्ठ पत्रकार हसनैन कमर दीपू की अगर माने तो सपा सरकार में भी किसी स्थानीय मुस्लिम नेता को कोई मंत्री पद नहीं मिला था, जिसकी नाराजगी मुस्लिम नेताओं में है। इस बार मुस्लिम नेताओं को अगर सपा दरकिनार करेगी तो जरूर इसका फायदा दूसरे दलों को मिलेगा। समाजवादी पार्टी के गलियारों में एक खबर है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो बीजेपी से निकल गए हैं, उनके बेटे उत्कर्ष को सदर से टिकट मिलेगा, तो कितना उससे भाजपा को फायदा होगा और सपा को कितना नुकसान होगा, आप कैसे देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को तो फायदा ही फायदा हो रहा है। उत्तर प्रदेश में 330 सीट लेके योगी जी पुनः मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। रही बात ये जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी की, 5 साल इन्होंने भारतीय जनता पार्टी में थे, भारतीय जनता पार्टी ने इनको मान दिया, सम्मान दिया, इज्जत दिया, शोहरत दिया, सब कुछ दिया, जो अन्य दलों में ये नहीं पाए हैं। अन्य दलों के वीडियो आप देख लीजिए, पुराना इतिहास देख लीजिए, वहाँ क्या हैसियत थी समझ गए होंगे। वही भाजपा नेता का कहना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे या कोई और भी हो जाए, इस बार भाजपा की सरकार बनेगी और विधायक सदर का भाजपा का ही होगा, क्योंकि पिछली बार भी मौर्य समाज के लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाजपा का साथ दिया था और इस बार भी देंगे। जौनपुर सदर विधानसभा से स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे उत्कर्ष को जो है सपा से प्रत्याशी बनाए जाने की चर्चा है। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, क्या देखते हैं, क्या सपा को नुकसान होगा, कितना, किस नज़र से देखते हैं, क्या लगता है? देखिए, जौनपुर जो सदर सीट है वो ज़िले का दिल हुआ करें और सर के ताज पे खासतौर पे माइनॉरिटी को एक सीट मिलती है जो जौनपुर समाजवादी पार्टी मानती है कि हमारी अपनी सीट है। अगर इतिहास में देखा जाए तो ये हमेशा यहाँ से माइनॉरिटी का ही कब्ज़ा रहा है। वो दीगर बात है कि 2012 में नदीम जावेद यहाँ से चुनाव जीते, उसके बाद 17 में किन्हीं कारणों से वो चुनाव हार गए। बीजेपी को यहाँ कमल खिलाने में बड़ी मेहनत करनी पड़ी और पहली बार सुरेंद्र प्रताप सिंह यहाँ से चुनाव जीते। सिराज हिंद के नाम से मशहूर जौनपुर इस समय प्रदेश की राजनीति में सियासत का सबसे बड़ा केंद्र बना हुआ है। वजह है भाजपा का दामन छोड़कर समाजवादी पार्टी की साइकिल की सवारी करने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे और जौनपुर सदर सीट से प्रत्याशी बनाए जाने की चर्चा से भूचाल ला दिया है। जौनपुर सदर सीट की अगर हम बात करें तो यह अल्पसंख्यक बाहुल्य सीट है और यहाँ पे तकरीबन 4,28,000 के करीब मतदाता हैं। इस बार यहाँ से 3 दर्जन से अधिक लोगों ने सपा से आवेदन किया है, जिसमें कई मुस्लिम नेता के साथ साथ यादव और मौर्य लोग भी शामिल हैं। गौरतलब हो कि अखिलेश यादव की पिछली 5 साल की सरकार में जौनपुर के किसी भी मुस्लिम नेता को कोई भी मंत्री नहीं बनाया गया, जिसके बाद उनके अंदर नाराज़गी देखने को मिली और इस बार लोगों ने आशंका जताई थी कि
उनके लोगों को टिकट मिलेगा और ये सीट जो है समाजवादी पार्टी के खाते में जाएगी। जौनपुर के बाद अगर कुशीनगर की बात करें तो स्वामी प्रसाद मौर्य के बीजेपी का दामन छोड़ने के बाद सपा में शामिल होने पर लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कुछ लोगों का कहना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य की अति महत्वाकांक्षा ने उन्हें ऐसा करने पर मजबूर किया है। कैबिनेट मिनिस्टर स्वामी प्रसाद मौर्य के बीजेपी से पाला बदल कर सपा में जाने के बाद सियासी सरगर्मियां तेज हो गई। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जहां इसे दलितों, पिछड़ों और छोटे व्यापारियों के उत्पीड़न और उपेक्षा का परिणाम बताया है, वहीं बीजेपी के लोग इसे स्वामी प्रसाद मौर्य की अति महत्वाकांक्षा, जिसमें अपने बेटे को टिकट दिलाना शामिल था, में नाकाम रहने का परिणाम बताया है। बहरहाल मामला चाहे जो हो, कुशीनगर की 7 विधानसभा सीटों में से 4 विधानसभा सीटों पर इस इस्तीफे का असर पड़ना तय है, क्योंकि ये सीटें उस वहाँ बाहुल्य है जहाँ इनके मत निर्णायक साबित होते हैं। वहीं कुशीनगर की जनता का कहना है कि जब चुनाव आते हैं तो कुछ लोग ऐसे ही करते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य का इतिहास रहा है, वो सिर्फ अपना ही फायदा देखते हैं, चाहे बीएसपी छोड़कर बीजेपी में शामिल होना हो या फिर बीजेपी छोड़कर सपा में शामिल होना हो। सवाल ये उठता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बीजेपी पर आरोप लगाए हैं कि बीजेपी ने गरीबों और दलितों की अनदेखी की है, स्वामी प्रसाद मौर्य ने 5 साल पहले ऐसा क्यों नहीं किया? 5 साल तक वो सत्ता में बने रहे, जब चुनाव का ऐन वक्त आया तो उन्हें दलितों, पिछड़ों और गरीबों की याद सताने लगी। ये तो सब जानते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने ऐसा क्यों किया, कितने दिन गरीबों की याद क्यों नहीं आई? चुनाव से 1 महीने पहले ही उन्हें गरीब याद आने लगी। कुशीनगर के जनता का क्या कुछ कहना है, सुनिए। इस प्रकार समुद्र में जब बाढ़ आती है, सबसे पहले मेडल भरते हैं। तो ऐसा चुनाव में हर चुनाव में देखा गया है, भारतीय जनता पार्टी समुद्र है और कार्यकर्ताओं की पार्टी है, गरीब नौजवान देश के सामने। और आज जब भगदड़ की स्थिति भारतीय जनता पार्टी में आई है, तो भगदड़ की स्थिति आना ही है, क्योंकि यह देश की जनता और किसान लगातार पिछले दिनों से बता रहे हैं, और नेता भी आज स्वीकार करने के लिए तैयार हो गए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में जो भी स्वाभिमानी नेता है, वो आज भारतीय जनता पार्टी में नहीं रहना चाहता है, देश के किसान। खैर, ये तो राजनीति है और राजनीति में कुछ भी निश्चित नहीं होता है, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य का चुनाव से 1 महीने पहले ये कहकर पार्टी छोड़ देना कि पार्टी गरीबों और दलितों की अनदेखी कर रही है, सवाल तो खड़े करेंगे, आखिरकार ऐसा पहले क्यों नहीं सोचा? चुनाव जब नजदीक आया तब पार्टी छोड़कर दूसरे पार्टी में शामिल हो गए और कह रहे हैं गरीबों दलितों की याद आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।